हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। में आप लोग का स्वागत है। जो आज हमारे फ्रेंड का ट्यूबलेस टायर जो लगाया जा रहा है, और ये जो है आप लोग देख रहे हैं नया टायर है, जो ये TVS का है, जो कंपनी के साथ भी इसी तरह आया था। तो चलिए हम लोग आज लगवा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है और लगाने का क्या प्रोसेस है। जो काफ़ी अच्छे से पहले इसको साफ़ किया जा रहा है, उसके बाद लगाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें किस प्रकार लगाया जा रहा है। जो काफ़ी जगह कोई साफ सफाई नहीं किया जाता, इसे ही लगा दिया जाता है। जो उससे क्या होता है कि लीक करने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसको लगाने से पहले सरस कागज़ से रिम को काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए और लगाना चाहिए। तो काफ़ी लगाने में मेहनत लगता है, और बहुत काफ़ी जगह होता है क्या, मैकेनिक जल्दी जल्दीबाजी में सफाई का ध्यान नहीं लगाते हैं और जैसे मन तैसे कर देते हैं काम, जो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग आराम से देखिए, और इससे कुछ आप लोग को समझ में आएगा। अगर कहीं आप लोग लगाएंगे, अगर गलत तरीके से लगाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा देखने के बाद किस प्रकार लगाया जाता है। तो छेद को काफ़ी अच्छे से पहले साफ़ करना चाहिए। जो इसका नेपुल लगाया जाता है, जो नया नेपुल लगेगा अभी, तो काफ़ी अच्छे से सरस कागज़ से उसको साफ़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से बैठ जाएंगे, जो लीक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सफाई का प्रोसेस हो गया ख़त्म, और इसको कपड़े से अच्छे से अब साफ़ किए जा रहे हैं। तो जो उसमें डालेगा तो देखिए किस प्रकार वो ले चुके हैं और उसको किस प्रकार लगाएंगे। गाइस, अभी हमारा फेस नहीं दिखता होगा, जो आप लोग फेस भी दिखेगा। तो देखिए इसको किस प्रकार लगा रहे हैं, हम लोग को लाइव दिखाया जा रहा है। तो देखिए बल्ब किस प्रकार लगाया जा रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार लगा रहे हैं भैया जी, और काफ़ी बारीक से अभी लगा रहे हैं। हो सकता है मेरा फेस नहीं आए, और इससे फेस आने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग को काम ज़्यादा बेटर है, तो आप लोग देखिए किस प्रकार काम कर रहे हैं, नोजल को किस प्रकार बैठाया जाता है। काफ़ी टफ है, जो नोजल बैठ चुका है काफ़ी आसानी से, जो उसमें थोड़ा मोबिल का प्रयोग किए हैं और काफ़ी आसानी से बैठ चुका है। तो चलिए अब टायर लगाने का प्रोसेस शुरू होगा। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग कट मत करिएगा, इससे आप लोग को पता नहीं चलेगा किस प्रकार लगाया जाता है। तो आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, किस प्रकार लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें हल्का सा मोबिल का प्रयोग किया जा रहा है, जो आसानी से टायर बैठ जाए। और काफ़ी जगह जो है मैकेनिक उल्लू बनाने के लिए बोलते हैं, इसमें कोई जेल लगाना पड़ता है, उसका पैसा अलग से लगेगा या और कुछ लगेगा, बेवकूफ़ बना के 100-200 ठक लेते हैं। तो देख सकते हैं मोबिल किस प्रकार लगाया जा रहा है इसमें, जो काफ़ी अच्छे से टायर बैठ जाएंगे। तो देखें अभी कितना अच्छा से मोबिल लगाएं और काफ़ी आसानी से बैठ जाएंगे। और लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो टायर किस साइड से लगाना चाहिए। तो देख सकते हैं कितना आसानी से बैठाया जा रहा है टायर को, जो काफ़ी जगह बहुत समय भी लगाते हैं और काम भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो भैया जी काफ़ी आसानी से टायर में मोबिल लगा के काफ़ी आसानी से चढ़ा रहे हैं, और न्यू है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि न्यू में बहुत ही हार्ड रहता है, और ट्यूबलेस ऐसे भी हार्ड रहता है, आप लोग को पता ही होगा। तो लगाने में थोड़ा सा टाइट होता है, भैया जी को भी चोट भी लग चुका था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर लग जाएगा।
तो लगाने का प्रोसेस हो चुका है, देख सकते हैं। तो लग चुका है अभी, उसके बाद इसमें हवा डालने के बाद इसमें फिर जेल भी डलाया जाएगा, जो अभी कंपनी न्यू डाला है, ताकि जेल डालने के बाद कांटे कील अगर कभी घुस भी जाए तो आसानी से निकल जाता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार बैठा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से बैठ भी गया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगाना पड़ा, काफ़ी मस्त तरीके से आवाज़ कर रहा है, देख सकते हैं। हवा खोल, एक इस साइड का भी छोड़िए, और अभी इसमें जेल डाला जाएगा, तो जेल का जो बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि जेल डालने से क्या होता है। तो गाइस अब इसमें जेल भी डाल देंगे साथ ही साथ, जो कि न्यू है, काफ़ी टाइम चलेगा, और इसमें किस प्रकार जेल डाल दिया गया है लिक्विड, जो काफ़ी कण के जैसा है, देख सकते हो गिर रहा है, कितना छोटा छोटा कण है आप लोग देख सकते हैं। और इसमें अब लिक्विड डाल दिया जाएंगे, इससे एक फ़ायदा ये होता है कभी रास्ते में अगर किल डाल जाता है तो क्या होता है कि कांटे निकाल देने के बाद ऑटोमेटिक इसका पंक्चर बन जाता है, सबसे इसका खास बात वही है। और ऐसे अगर नहीं करने से कील अगर पतला जाता है तो उसमें पंक्चर बनाने के लिए मोटा डालना पड़ता है, इसीलिए डालने से यही फ़ायदा होता है। गाइस तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, पर आप लोग स्किप ना करें और देखें कितना टाइम लगता है जेल डालने में और लगाने में। तो जेल देखिए किस प्रकार डाल रहे हैं, तो जेल देखिए कितना ही गढ़ा रहता है। अरे चुम्बक के तरह पकड़ रहा, ऐसे पकड़ के रख ना, धीरे धीरे जाएगा ऐसे ऐसे। किस प्रकार जेल निकल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, एक टायर में आधा लीटर लगता है गाइस, आप लोग आधा मत डलवाइएगा, ताकि वो काम नहीं करेगा, इसमें आधा लीटर डालने के बाद ही सही से काम करेगा। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो पूरा इसमें डब्बा डाल दिए गए हैं, और अब लगाने के बाद गाइस आप लोग को देखें कितना टाइम लगता है। तो गाइस आज का हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, मचाओ तालका में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।